झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार में भी अगर आदिवासियों के मूल मुद्दों का समाधान नहीं हो तो आश्चर्य होना लाजमी है। रांची के डिप्टी के एक हॉल में आदिवासी बुद्धिजीवी महासमागम का आयोजन किया गया है, जिसमें आदिवासी समाज के जो नामचीन लोग हैं वो उसमें शिरकत कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आदिवासी बुद्धिजीवी हरिचरण होनहागा साहब। आप सेल में पहले कार्यरत थे, अब रिटायर्ड हैं। अभी जब इनसे ये मंच के माध्यम से संबोधित कर रहे थे तो इन्होंने दो तीन बातें बहुत दिलचस्प कहीं, खास करके झारखंड में किस तरह आदिवासी नाम जो थे वो परिवर्तित हो गए। और जो आपको पता है कि यूपी में कई जिलों का नाम बदला गया है, उसके बाद जो नामकरण और नाम परिवर्तन का जो सिलसिला है वो राजनीतिक रंग भी ले चुका है। तो हम हरिचरण जी से ये जानना चाहेंगे कि झारखंड में वैसे कितने स्थानों का नाम है जो मूल रूप से परिवर्तित हो गया है, उदाहरण के साथ बताइए। नहीं, हम कुछ उदाहरण नहीं दे पाएंगे नाम, क्योंकि लिस्ट बहुत लंबा है। हाँ, फिर भी जो भी आपके जहन में हो बताए। ठीक है, एक तो चक्रधरपुरा, उसका नाम है चक्काई, चक्का है। उसके बगल में कड़े किला, हाँ, उसका नाम है कोड़का, ठीक है। उसके बाद सराय किला, उसका नाम है साय, सराय किला का ओरिजिनल नाम है साय, ठीक है। उसके बाद रांची तरफ आते हैं, जो डुरंडा है उसका पुराना नाम था दुरंगदा, उसके दामोदर जो उधर दामोदर, उसका दामुदा, दसमफोल उसका नाम है दासों, एक हजारीबाग में सीतागढ़ा है, सीतागढ़ा बोलते हैं उसको, उसका पुराना नाम है ये सीतागढ़ा। इसी तरह से बहुत नाम है। ये जो नाम परिवर्तित हुए हैं तो इसके पीछे जानबूझकर नाम परिवर्तन नहीं, किया गया है, ये लोग बसते गए और उसका उच्चारण बदलता गया। उच्चारण लोग नहीं कर सकता था, हाँ, जैसे चक्रधरपुर ओरिजिनल नाम है चका, क्योंकि हम लोग हो मुंडा को बिलोंग करते हैं, तो हमारा हो मुंडा में शब्द है चका, तो वही नाम था। तो क्योंकि वो रेलवे स्टेशन बन गया, डिविजनल रेलवे डिविजन ऑफिस बन गया, तो आप सुविधा कर सब बदल दिया। तो आप क्या ये आदिवासी समाज इस बात की मांग करता है कि जो नाम है उसको पूर्ण रूप से वापस किया जाए, वही नाम को लौटाया जाए? हाँ, जो ओरिजिनल नाम है, तो क्यों कहीं का भी नामकरण कैसे होता है, जो पहला आदमी बसता है, पहला आदमी बसता है तो अपने भाषा के हिसाब से ये नाम रखता है या अपने इच्छा के हिसाब से रखता है। कहीं का भी हिस्ट्री देखिए तो नामकरण वैसे ही होता है। तो अभी जब ये समागम चल रहा है बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल से यहाँ बैठे हुए, इसका डिमांड आप लोग रखेंगे? हाँ, मेरे हम तो वही विचार रखे ही हैं। हम ये बोले ठीक है, ये लंबा टाइम ले सकता है, ये इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं भी है, लेकिन ये होना चाहिए, नहीं तो आने वाला जनरेशन क्या है, जो पीढ़ी है हमारा आदिवासी पीढ़ी है, वो तो भूल जाएगा कि हमारे पुरखे लोग यहाँ के प्रथम बसिंदा थे, वो तो भूल जाएगा। नाम इंडिकेट्स कि हु इज द फर्स्ट सेटलर ऑफ दैट लैंड, नाम इंडिकेट करता है। तो अभी दादा हरिचरण जी, अभी चूंकि भाषा को लेकर बड़ा कंट्रोवर्सी है, खासकर भोजपुरी मघी अंगिका को लेकर के जेएसएससी में, जो पॉइंट बोले वो पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं, मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट छूट जाएगा। नामकरण तो ठीक है, एक शिक्षा भी एक विषय है, इसलिए हम बोले कि झारखंड सरकार ने भरंगों घूम के जयपाल सिंह मुंडा के नाम से एक फॉरेन स्कॉलरशिप शुरू किया फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, गर्ल हो बॉय जो जो, उसमें क्या है मेरे ख्याल से दो कमी तो नहीं बोलेंगे और एड ऑन चाहिए, एक एड ऑन ये चाहिए। अभी के हिसाब से यूके और एक यूके से रिलेटेड एक कंट्री है, ये कंट्री में जा रहे हैं, बाकी कंट्रीज जो है आपका यूएस हुआ, यूके है, जर्मनी है, ये सब एडवांस कंट्रीज है, वहाँ का यूनिवर्सिटी का रैंक बहुत अच्छा है, वो भी शामिल होना चाहिए। दूसरा सब्जेक्ट में क्या है कमी, उसमें मेडिकल साइंस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी नहीं है, उसको भी शामिल करना है, क्योंकि ये दो उसमें एड ऑन करने की जरूरत है। हम ये बोल रहे हैं दादा, क्योंकि अभी झारखंड में जो लैंग्वेज का जो विषय है बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है और इस पर पॉलिटिक्स भी हो रही है, तो भोजपुरी मघी अंगिका को भी जेएसएससी परीक्षाओं में शामिल किया गया। आप लोगों का क्या मंतव्य है, आप लोगों का क्या सोच है? नहीं देखिए, ये डिपेंड करता है उसको बोलने वाले कितने हैं, वो डाटा हमारे पास नहीं है, अगर बोलने वाले बहुत ज्यादा है तो इसमें पॉलिटिक्स का जरूरत नहीं है। तो इन भाषाओं को क्या जगह स्थान मिलना चाहिए झारखंड? अभी तो कर दिया ना, हाँ, मिला है, हाँ, वो ठीक है,
उसमें इसका विरोध हो रहा ना पॉलिटिकली। देखिए पॉलिटिक्स में तो कोई सपोर्ट करेगा कोई विरोध करेगा, 100% सपोर्ट कहीं नहीं मिलेगा। आदिवासी समाज का क्या मंतव्य है? नहीं हम समाज आदिवासी आप अपना व्यक्तिगत बोलेंगे तो बोल सकते हैं। देखिए उसमें अगर स्पीकर्स हैं बोलने वाले हैं तो उसमें मिलना चाहिए मान्यता, बोलने वाले हैं तो मिलना चाहिए। आपने सुना आदिवासी समाज के बुद्धिजीवी कालीचरण जी ने साफ तौर पर कहा है कि आदिवासी समाज को पूरा अधिकार पूरा हक उसे मिलना चाहिए, खास करके भाषा के विषय पर उन्होंने कहा, क्योंकि भाषा बोलने वाले लोग अगर उस जिला में उस क्षेत्र में ज़्यादा है तो उस भाषा को शामिल करने की ज़रूरत है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि झारखंड में जो नाम परिवर्तित हो गए हैं उच्चारण को लेकर के या सुविधा को लेकर के, उस नाम को पूर्ण रूप से उसके वास्तविक नाम से पुकारा जाना चाहिए, इस बात को वो सरकार के तक पहुँचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शाहनवाज।